आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा ही अपनी प्यार भरे रिश्ते के जरिए काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं सुपरस्टार धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। जी हाँ, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और हेमेन धर्मेंद्र की लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ रहा है। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा रहे। धर्मेंद्र की पहली पत्नी है प्रकाश कौर, लेकिन धर्मेंद्र ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा वह दीवानी हो गई हेमा मालिनी की खूबसूरती देखकर। हेमा से बेहद प्यार करते हैं धर्मेंद्र, लेकिन जहां एक तरफ हेमा की खूबसूरती की वह तारीफ करते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी ही तरफ इंडस्ट्री की कई अदाकाराओं की खूबसूरती की तारीफ करते हुए भी नहीं थकते हैं। 86 ईयर्स के हो चुके हैं धर्मेंद्र, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह आप सभी को एंटरटेन करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर धर्मेंद्र कई बार अपने प्यार को जाहिर करते हुए नजर आए हैं, ना सिर्फ अपनी पत्नी हेमा मालिनी के लिए बल्कि दूसरी ही तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई मशहूर अदाकाराओं के लिए भी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए, रिसेंटली धर्मेंद्र ने एक तस्वीर को शेयर किया है और इस तस्वीर में धर्मेंद्र रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं किसी और हसीना के साथ। हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र यहाँ पर नजर नहीं आए हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। तो आइए आपको बताते हैं हमारे इस रिपोर्ट के जरिए, जो रिपोर्ट हमने तैयार की है, धर्मेंद्र ने जो तस्वीर शेयर की है सोशल मीडिया पर, उस तस्वीर को देखते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के हेमेन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के प्यार भरे रिश्ते से हर कोई वाकिफ है। जहां एक तरफ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपनी लव स्टोरी के चलते काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ जब भी इस प्यारी सी जोड़ी को फिल्मी पर्दे पर देखा गया है रोमांस करते हुए नजर आए हैं हेमा और धर्मेंद्र, तब तब फैंस ने उन्हें भरपूर प्यार भी दिया है। लेकिन धर्मेंद्र किसी दूसरी हसीना के साथ जब जब नजर आए हैं, उस दौरान भी फैंस ने अपनी बात रखी है। ऐसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। हाल ही में धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी के साथ की एक रोमांटिक तस्वीर को शेयर किया है। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है धर्मेंद्र और शबाना आजमी और इस उम्र में वह अब रोमांस करते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र ने इस रोमांटिक तस्वीर को शेयर किया है और लिखा है, इश्क है मुझे कैमरे से और कैमरे को, और यहाँ लिखते हैं शायद मुझसे। यहाँ पर धर्मेंद्र ने कहा है कि उन्हें तो इश्क कैमरे से है और कैमरे को उनसे है, और लिखते हैं शायद मुझसे है। यहाँ पर धर्मेंद्र ने सवाल भी पूछा है और जवाब भी दे दिया है, लेकिन धर्मेंद्र के इस पोस्ट पर रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर लोगों ने हेमा मालिनी को लेकर अपनी बात भी लिखी है। दरअसल यहाँ पर अरुण लिखते हैं, पाजी हेमा जी या रेखा जी के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ आपकी फोटो जमती, रिपीट, इनके साथ आपकी तस्वीर जमती नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रत्यंचा लिखती हैं, लेकिन आपकी हीरोइन बकवास है, उसकी जोड़ी जावेद अख्तर के साथ ही ठीक है। यहाँ पर लाफिंग इमोटिक भी शेयर कर दिया है शबाना आजमी का, मजाक उड़ाती हुई नजर आई है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे फैंस हैं जिन्होंने हेमा मालिनी का जिक्र किया है। रश्मि लिखती है, धर्मेंद्र जी ये वो नाम है जिससे हर एक्ट्रेस को भी प्यार था, आज भी है। मुझे नहीं लगता रोमांस और सिंप्लिसिटी के मैटर में आपसे कोई और एक्टर आगे निकल जाएगा। धर्मेंद्र जिस तरीके से रोमांस के किंग कहे जाते हैं अपने दौर के, लेकिन आज के समय में भी धर्मेंद्र काफी आगे हैं कई सुपरस्टार से।
जी हाँ, इस बात से सभी वाकिफ हैं। आपको बता दें, धर्मेंद्र आप सभी को नजर आएंगे फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। और इस फिल्म को लेकर धर्मेंद्र ने अपनी एक्साइटमेंट भी जाहिर की। उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए अपनी बात लिखी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर रणवीर कपूर नजर आएंगे, लेकिन जया बच्चन, धर्मेंद्र और शबाना आजमी के बीच लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा। धर्मेंद्र ने अपने इस किरदार को लेकर अपने इंटरव्यू में बताया था कि करण जौहर ने मुझे इस फिल्म के लिए बहुत खूबसूरत सा किरदार दिया है। ये रोल उनकी उम्र और उनके लुक से खूब मेल खाता है, बल्कि फैंस उनको एक बार फिर से पर्दे पर इस किरदार में देखकर खुश हो जाएंगे। मालूम हो कि बीता कुछ समय धर्मेंद्र के लिए काफी दर्द भरा भी रहा, जब धर्मेंद्र को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। दरअसल ज्यादा वर्कआउट करने के चलते धर्मेंद्र को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। लेकिन अब वह ठीक है और अपने परिवार के साथ वह समय बिताते हुए तो नजर आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच का जो प्यार है, वो वाकई में हमेशा ही हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचता हुआ नजर आता है। आप सभी ने देखा जाना कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को फैंस आज भी बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। धर्मेंद्र के साथ दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी को देखकर फैंस ने कहा है कि अगर हेमा मालिनी यहां पर होती तो शायद बात कुछ और ही होती। जी हां, बिल्कुल सही, हेमा और धर्मेंद्र के बीच की प्यारी सी बॉन्डिंग, ये प्यारा सा रिश्ता हमेशा ही फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए नजर आता है। लेकिन वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए तो हेमा इस वक्त फिल्मी पर्दे से दूर रहकर राजनीति की दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ धर्मेंद्र अपनी मच अवेटेड फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग में व्यस्त हैं और जल्द ही आप सभी को नजर आएंगे फिल्म अपने के सीक्वल अपने 2 में भी। आप क्या कहते हैं धर्मेंद्र के बारे में, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 News.